हेलो एवरीवन, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पांच रूल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए, इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पांच रूल्स मैंने बता दिए, छठा आपको रूल्स बता रहा हूँ। तो सिक्स वाला रूल्स क्या है वो देख लीजिए। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं कर्म विस्तारक, ठीक है। दिया हो तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से बनता है। पैसिव वॉइस किससे बनेगा? पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से बनेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, जैसे आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है अपना, एक्टिव में क्वेश्चन है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो दे मेड मी, सरपंच, ठीक है। ये सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले किसकी पहचान करो, टेंस की, ठीक है। टेंस कौन सा आपने सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ये अपना टेंस किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में, यानी वर्ब जो अपनी है सेकंड फॉर्म में है, इसलिए अपना ये सिंपल पास्ट में होगा। देखो दे मेड मी सरपंच, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, और खुद ही को बता रहा है कि मुझे किस क्या बनाया उन्होंने, सरपंच, यानी ये कर्म अपना विस्तार कर रहा है, खुद को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कर्म विस्तारक हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, इससे आपको क्या बनना, पैसिव वॉइस नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट किससे बनाना, इसको मी से बनाना आपको, ठीक है। अगर अपन मी को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा अपना, आई, ठीक है। फिर आई के बाद अपन को क्या करना है, इसको आई वॉज, सिंपल पास्ट टेंस है तो कंटिन्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है। मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही होगी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सरपंच माय देम, ठीक है। नेक्स्ट नियम है अपना, दे इलेक्टेड मी, ठीक है। सीएम चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मी को क्या कर देंगे अपन, आई वॉज इलेक्टेड अपनी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, इलेक्टेड ही होगी, ठीक है। सीएम बाय देम, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम लेते हैं, सेवंथ वाला नियम ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं, सेवंथ नियम है ये, ठीक है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी इन्फिनिटिव वर्ब आए, यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद ना इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, पर वो वर्ब कैसी आए, बिना टू मतलब है इन्फिनिटिव नहीं आए,
बिना टू के यानी इन्फिनेटिव नहीं आए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेकंड वाली वर्ब जो होती है, सेकंड वाली वर्ब के साथ टू लगाया जाता है। जाता है, देखो समझाता हूं एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आई सो हिम, ठीक है, आई सो हिम क्रॉस द रोड। देखो आप समझो, इसमें दो वर्ब आई है, दो वर्ब आई है, एक वर्ब अपनी सो है और एक ऑब्जेक्ट है, हिम के बाद आ रही है एक और वर्ब अपनी क्रॉस, यानी सेकंड वर्ब कौन सी ये है और फर्स्ट वर्ब अपनी कौन सी ये है, समझ में आ रहा आपको। दो वर्ब दे रखी है, सो दे रखी और क्रॉस दे रखी है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब आए और वो भी किसके, बिना टू के, यानी इन्फिनिटिव नहीं आए। जिसमें इन्फिनिटिव लगा रहता वो टू वाली होती है, समझ रहे बात को। तो उसमें क्या कहते हैं, जब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस वाली वर्ब में क्या जोड़ देंगे, अपन टू जोड़ देंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे अपना ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही सो अपनी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट है, यानी इसको अपन किसमें चेंज करेंगे, कंटिन्यू में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। वॉज आने के बाद, ठीक है, इसको क्रॉस, इसके बाद जो वर्ब आएगी, तो वर्ब जो अपन को लेना है उसमें क्या लगाना है, सेकंड वाली वर्ब में टू क्रॉस, एक मिनट, अरे देखो इसमें आपको सो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन, सो सी सीन थर्ड फॉर्म लेनी है अपन को, ठीक है। उसके बाद आपको जो वर्ब लेनी है, तो वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए अपन को क्या लगाना पड़ता है, कनेक्टर लगाना पड़ेगा और टू लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, टू क्रॉस। आपको समझ में आ रहा है, दो वर्ब के बीच में आपको दोनों वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें क्या करना है, कनेक्टिविटी कर दी मैंने टू क्रॉस, क्योंकि ये भी वर्ब है, ठीक है। द रोड बाय, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, मी। आया समझ में, इंपॉर्टेंट रूल है, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, ये रूल क्या है अपना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आया, दो वर्ब आ जाए, यानी एक ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसके बाद आपको केवल मात्र टू करना है, बाकी नियम एज इट इज है, ठीक है। आगे समझ में आपको, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे आई मेड हर, आई मेड हर, ठीक है, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, चलिए बताइए इसका क्या होगा, देखो समझिए क्या हो जाएगा, ये हर का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी, ठीक है, मेड अपना सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए क्या आ जाएगा अपना, वॉज मेड, ठीक है। अब देखो दूसरा अपनी वर्ब आई है, तो उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, टू सिंग, ये ध्यान रखना, ये थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि टू से कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। ए सॉन्ग और बाय मी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नियम है अपना आठवां नियम, ठीक है। यदि सेंटेंस ठीक है कॉम्प्लेक्स हो, यानी मिश्रित हो, कॉम्प्लेक्स हो यानी क्या हो, मिश्रित हो, ठीक है, मिश्रित हो सेंटेंस हो, तो that के पहले वाले भाग को, ठीक है, पैसिव में बदला जाएगा,
ठीक है, पैसिव में हमेशा मैं हमेशा कर्ता ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाएगा। जाएगा देखो इसको समझते हैं अपन क्या कहना चाह रहे हैं नियम। देखो क्वेश्चन जो है देखो इस तरह से आएगा, पीपुल थिंक दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इज द दैट मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस है। अब आपको देखना ये दैट के पहले वाला बदलेगा, अब आप देखोगे इसमें क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो अपन किस में रखेंगे इसको, इट में। ठीक है, किस में रखेंगे अपन, इट में। तो इट इज देखो ये थिंक है, पीपुल थिंक, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या होगा, इट इज। ठीक है, थिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट। ठीक है, थॉट फिर दैट, इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद बाय एजेंट नहीं आएगा, क्योंकि अपन अंडरस्टूड है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कौन सोचता है, पीपुल सोचता है। ठीक है, लोग बाग सोचते हैं, आगे समझ में। चलिए एक और देखते हैं, दे बिलीव दैट द मून हैज ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इट इज बिलीव्ड। ठीक है, दैट एज इट इज सेंटेंस आ जाए, इसके बाद द मून हैज ब्लैक स्पॉट। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है ना, इस तरह से अपन मिसेस सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, किस चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें एक जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव मतलब जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको किस तरह से करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरा जो है WH से स्टार्ट होते हैं, दो तरीके होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से और WH से स्टार्ट, सबसे पहले अपन ले रहे हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर से बताऊँ आपको मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, विल यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैंने, विल यू सिंग ए सॉन्ग, तो इसका अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है,
आपको क्या करना है, ये चेंज क्या होता है, विल का क्या चेंज होता है, विल बी में चेंज किस में होता है, विल बी में, मैंने आपको बताया, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसको अपने जो कंटिन्यू में चेंज कर देते हैं फ्यूचर कंटिन्यू में, तो इसमें क्या कर देते हैं, विल बी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें विल तो आगे लगेगा लगेगा, ठीक है, विल यहाँ पर लगेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ए सॉन्ग, तो अपन को क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, क्या हो गया ये, ए सॉन्ग, ठीक है। अब जो बी जो लगेगा, बी ए सॉन्ग के बाद लगेगा, ध्यान रखना, विल बी यहां नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्न वाचक की सेंटेंस बनेगा इसलिए, ठीक है, विल ए सॉन्ग बी, ठीक है। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, संग, एस यू एन जी, संग, ठीक है, बाय, यू का क्या होता है, यू ही रहता है, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह बना देते हैं, इस तरह से अपना पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से मैंने पैसिव वॉइस बनाया, विल का जो प्रश्नवाचक है वो प्रश्नवाचक आगे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, विल बी होगा, जो बी जो लगेगा वो जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में बनाएंगे उसके बाद भी लगेगा, फिर तो अपनी जो वर्ब आएगी वैसे के वैसे ही वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे बाय लगा के। आगे समझ में, एक और मैं बता देता हूँ आपको तो इजीली और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हैज राधा, हैज राधा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड माय रूम, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसमें हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन में चेंज होगा, ठीक है, हैज का किस में चेंज होगा, हैज बीन में, पर आपको यहां पर हैज ही लिखना है पहले तो स्टार्ट में, ठीक है, इस फिर आपको क्या करना है, जो माय रूम है उसको ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट में चेंज करना आपको, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया माय रूम, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है, हैज माय रूम बीन, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये मैंने यहाँ पर बीन लिख दिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देंगे डेकोरेटेड, ठीक है, फिर बाय राधा, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला बता रहा हूं मैं आपको, डब्ल्यू एच वाले बाद में बताएंगे, ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव के अंदर ही नेगेटिव, तो किस तरह से करेंगे अपन, ये दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल आपको और बता रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, तो चलिए देखो किस तरह से होगा, आर दे नॉट, आर दे Not playing, playing football. ठीक है, देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, फुटबॉल ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो फुटबॉल अपना सिंगुलर है इसलिए यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या लिखना है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, नोट लगाना, नोट के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बीइंग, मैंने बताया था आपको कंटिन्यू टेंस हो तो इसमें क्या आता है, बीइंग आता है। प्ले का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, प्लेड बाय देम, ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेते हैं तो किस तरह से बनेगा, डू दे लाइक, डू दे लाइक देयर टीचर्स,
चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे, चलिए एक सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। डू से अपन को पता चलता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। कंटिन्यू में चेंज करना है तो कंटिन्यू में देखो देयर टीचर्स यानी ऐसे लग रखा है यानी प्लूरल है तो अपने यहां पर क्या आ जाएगा आर, ठीक है। देयर फिर क्या आ जाएगा देयर टीचर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लाइक्ड, ठीक है, बाय देम। आ रहा हो समझ, ये तो कंटिन्यू में था इसलिए यहां पर बीइंग आया, पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसलिए कंटिन्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, डिड दे विन द मैच, चलिए बताइए, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। ये अपना क्या है डिड से पहचान होती है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस को अपन किस में चेंज करेंगे वॉज या वर में। तो द मैच जो है अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है इसलिए यहां पर क्या आएगा वॉज द मैच, ठीक है। इसके बाद विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉन बाय देम, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है वर दे सिंगिंग सॉन्ग्स, वर दे सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग्स, चलिए बताइए कैसे बनेगा। देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, जब वॉज और वर आए तो इसको चेंज में किस में करते हैं अपन वॉज या वर के बीइंग में चेंज करते हैं। तो देखो क्या है यहां पर अपना सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल ऑब्जेक्ट अपना क्या है प्लूरल है, जो सब्जेक्ट में चेंज होगा तो प्लूरल है तो यहां पर क्या आएगा वर ही आएगा, ठीक है। यहां पर लिख देंगे अपन सॉन्ग्स, ये प्लूरल है, वर के साथ बीइंग आता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है बीइंग लिखना है, ठीक है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी संग, ठीक है, बाय देम, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। आप समझ रहे हो जब हैज बीन या वॉज बीइंग या वर बीइंग, ठीक है, या विल बी, वो हमेशा ध्यान रखना जो बाद में बीन बी या बीइंग, बी बीन हैज बीन जैसे और बीइंग, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, किसके बाद आएंगे सब्जेक्ट के बाद। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद कल अपन जो लेंगे वो लेंगे WH वाले इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आपके लिए आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।